can go into it. We can talk about some basic programming constructs and basically how you can achieve different things in Python, like basic programming operations जो होते हैं, how you do it in Python. तो like Python is one of my favorite languages, if not the favorite language. तो I would highly recommend कि आप सब try करो. It's a very important language to learn. It is one of those core languages जैसे होते हैं ना, जैसे कि हर सब्जेक्ट में एक कोर टॉपिक होता है. फॉर एग्जाम्पल मैथ्स में कोई कोर टॉपिक होता है, वैसे ही डिफरेंट चीजों में अपने अपने कोर टॉपिक होते हैं. वैसे प्रोग्रामिंग में लर्निंग अ लैंग्वेज लाइक पाइथन इज वन ऑफ द कोर थिंग्स दैट यू शुड नो. ठीक है, तो दिस इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ द इंटायर कोर्स. सो प्लीज इफ पॉसिबल फॉलो अलॉन्ग, लाइक यूज योर ओन डिवाइस, और इफ यू डोंट हैव इट राइट नाउ अगली बार लेके आओ, बट इस बार के लिए जस्ट यू नो फोकस ऑन इट प्रॉपरली. ठीक है, ठीक है. तो आई गेट स्टार्टेड आई गेस. एक सेकंड, मैं इसमें वो व्हाइट बोर्ड खोल देता हूँ. तो ओके, ठीक है, इसको हटा देते हैं. ओके ग्रेट, ठीक है. तो बेसिकली पाइथन क्या है, कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्वियसली, बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डिफरेंट टाइप्स होते हैं. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हम अभी तक हमने ऑलरेडी HTML थोड़ा देखा हुआ है. तो HTML में भी आपने CSS जैसी कोई भी चीज़ देखी होगी. दीज आर ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, बट पाइथन एंड HTML CSS में डिफरेंस क्या है, कि पाइथन अलाउज यू टू परफॉर्म कैलकुलेशंस. ठीक है, HTML CSS इज मोर और लेस कि जो आप लिख रहे हो बस वही दिखा रहा है. इट डज नॉट हैव द केपेबिलिटी टू बी इंटेलिजेंट एसेंशली. तो इट्स मोर लाइक कि आप स्ट्रक्चर बना के दे रहे हो एंड दैट्स इट, उसके आगे कुछ होगा नहीं. बट विद पाइथन यू कैन एक्चुअली मेक इट डू थिंग्स फॉर यू. ठीक है, एंड व्हाट व्हाट डू आई मीन बाय दैट. तो बेसिकली आपको कोई प्रॉब्लम है, राइट, इन जनरल यू हैव एनी रियल लाइफ प्रॉब्लम एंड यू वॉन्ट टू सॉल्व इट विद अ कंप्यूटर, करेक्ट. तो प्रॉब्लम कैसी होती है, फॉर एग्जाम्पल आई आस्क यू कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ठीक है, वाई सपोज ax² + bx + c = 0, राइट. दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड आई माइट आस्क यू कि इसका सोल्यूशन निकाल के दे दो मेरे को, लाइक व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, राइट. अब आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि इसका एक फॉर्मूला होता है जिससे वी कैन फाइंड लाइक द टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स विच सॉल्व दिस इक्वेशन, विच इज बेसिकली द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. ठीक है, तो दिस इज अ प्रॉब्लम, दिस इज जनरल प्रॉब्लम, जनरल प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूँ. तो द थिंग इज यू वॉन्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यूजिंग योर कंप्यूटर बेसिकली. ठीक है, तो पाइथन जैसी लैंग्वेजेस जो होती हैं, दे अलाउ यू टू फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स. तो पाइथन जैसी लैंग्वेजेस में दे हैव द केपेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग मैथ, बेसिकली दे बिहेव लाइक कैलकुलेटर्स. दे हैव द केपेबिलिटी दैट अ कैलकुलेटर हैज एंड मच मोर ऑन टॉप ऑफ दैट. तो कैलकुलेटर बोलना उसको मतलब बिल्कुल ही उसका मजाक उड़ाना है पाइथन का, बट इट हैज ऑल द केपेबिलिटीज ऑफ अ बेसिक कैलकुलेटर. इट विल परफॉर्म ऑल द कैलकुलेशंस, एवरीथिंग दैट यू वांट, एंड उसके आगे उसके हजार फीचर हैं दैट आर यूज फॉर लाइक अदर डोमेन्स, अदर थिंग्स. तो फॉर एग्जाम्पल आपने मशीन लर्निंग के बारे में सुना होगा, लाइक यू यूज अ प्रोग्राम टू प्रिडिक्ट कि क्या होगा. फॉर एग्जाम्पल आज बारिश पड़ेगी या कल बारिश पड़ेगी, या फिर फॉर एग्जाम्पल वॉट विल बी द चेंज इन मार्केट जो होते हैं, मतलब स्टॉक प्राइसेस ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगी, हंड्रेड थिंग्स लाइक दैट यू कैन बेसिकली प्रिडिक्ट, राइट. उसके लिए भी पाइथन यूज होता है. सिमिलरली यू हैव प्रॉपर वेबसाइट्स जो चल रही होती है आपकी, राइट. सो यू हैव अ वेबसाइट विच लॉग्स यू इन, इट कैरीज आउट ट्रांजेक्शन. फॉर एग्जाम्पल बैंक में आपकी बैंक की वेबसाइट होती है, यू कैन सेंड मनी, रिसीव मनी, दिस लाइक लॉट्स ऑफ थिंग्स लाइक दैट. ऑल ऑफ दिस पाइथन कैन हैंडल. सो पाइथन इज लाइक अ मॉन्स्टर इस एस्पेक्ट में, राइट. HTML CSS जो है कंपेयर टू पाइथन, दे डोंट रियली लुक लाइक वेरी पावरफुल लैंग्वेजेस. उनका अपना काम है, बट पाइथन इज अ वेरी सॉर्ट ऑफ वाइड, मतलब उसके बहुत ज्यादा इम्पैक्ट्स होते हैं मेरे हिसाब से. ठीक है, तो पाइथन जैसी लैंग्वेजेस में क्या होता है कि यू हैव टू राइट दिस कोड समवेयर. ठीक है, मतलब ये कोड जो लिखना है आपको पाइथन का, वो कहीं ना कहीं पे तो लिखना है आपको, राइट. एंड द सॉफ्टवेयर और द प्लेटफॉर्म दैट वी यूज टू राइट दिस कोड इज कॉल्ड बेसिकली एन IDE. ओके, IDE इज नथिंग, इट्स बेसिकली द शॉर्ट फॉर्म फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट. और बड़ा फैंसी नाम है, बट इट्स बेसिकली बेसिकली लाइक अ टेक्स्ट एडिटर जिसमें आप कोड लिखते हो, एंड वहां पे एक ऑप्शन होता है दैट यू कैन रन दिस कोड. ठीक है, तो हर एक लैंग्वेज के डिफरेंट IDEs अवेलेबल होते हैं. तो पाइथन के भी देर आर मल्टीपल IDEs अवेलेबल. ठीक है, देर आर थिंग्स लाइक पाईचार्म एक IDE है, देर इज अनदर वन कॉल्ड एनाकोंडा, मतलब बहुत सारे IDEs है, बट द वन दैट वी विल यूज इज द मोस्ट बेसिक IDE जो पाइथन का अपना, मतलब व्हेन यू इंस्टॉल पाइथन उसके साथ ही आता है. तो बिफोर योर नेक्स्ट सेशन आई वुड हाईली रिकमेंड कि ये चीज कर लो आप, जस्ट गो टू गूगल एंड टाइप पाइथन एंड पाइथन डाउनलोड. ठीक है, एंड ये जो डाउनलोड लिंक आ जाएगी, बिल्कुल सिंपल इंस्टॉल करना है इसको, इसका लेटेस्ट वर्जन जो पाइथन का है, जस्ट डाउनलोड दैट. एंड वंस यू डाउनलोड दैट,
आपको एक आईडीई उसके साथ बंडल्ड मिल जाएगा बेसिकली, बंडल्ड एज इन की यू कैन डायरेक्टली यूज दिस आईडी, एंड आईडी का नाम जो डायरेक्टली बंडल करके आता है पाइथन के साथ, इट्स कॉल्ड आईडीएलई, आइडल, सॉरी क्या हो गया, डाल देते हैं इसको एक सेकेंड, ठीक है, तो द आईडी दैट कम्स बंडल्ड विद पाइथन इज कॉल्ड आइडल, ठीक है, आईडीएलई, एंड जब आपने पाइथन इंस्टॉल कर लिया होगा, अगर आप अपने कंप्यूटर पे सर्च करोगे आईडीएलई, आईडीएलई, यू विल सी दीज ऑप्शंस, तो मेरे पास दो वर्जन पड़े हुए हैं इसके, तो आई कैन यूज एनी वन, आई जस्ट यूज दिस वन, एंड यहाँ पे एक विंडो ऐसा खुल जाएगा आपके सामने, ठीक है, एंड यहाँ पे कैन राइट कोड डायरेक्टली. तो फॉर एग्जाम्पल जो मैंने बताया कि पाइथन कैन बिहेव लाइक अ कैलकुलेटर, तो लेट्स ट्राई टू, एक सेकंड, इसका थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ ताकि आपको दिख जाए, कॉन्फिगर साइज बढ़ा के इसको सपोज 16 कर देते हैं, ओके, एंड बोल्ड भी कर देते हैं, ठीक है, तो हाँ, तो बेसिकली जो ये डिफॉल्ट विंडो खुल जाता है हमारा, दिस इज योर आइडल स्क्रीन, और बेसिकली आइडल टर्मिनल बोलते हैं इसको, एंड यू कैन स्टार्ट राइटिंग योर कमांड्स हियर, यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट राइटिंग मैथमेटिकल कमांड्स, फॉर एग्जांपल 3 + 2 क्या होगा 5, ऑब्वियसली, तो एंटर दबाया 5 आ गया, वैसे ही 3 × 2 राइट 6, 3 - 2 राइट 1, एंड फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पावर करना है, मतलब 3 to the power 2 राइट, विच इज 9, सो यू कैन डू 3 × 2, सो दिस इज बेसिकली, दिस रिप्रेजेंट्स रेज टू द पावर, ठीक है, 3² विच इज 9 राइट, और इफ यू वांट 3 to the power 3 दैट इज 27, ठीक है, और इफ यू वांट टू डिवाइड, 3 / 2 राइट, मतलब जो बेसिक सिंबल्स होते हैं वही यूज हो रहे हैं, 3 / 2 इज 1.5, और 3% 2% इज एन इंटरेस्टिंग ऑपरेटर, ये जो बेसिकली जो सिंबल्स हम यूज कर रहे हैं, दीज आर कॉल्ड ऑपरेटर्स, ठीक है, एंड डिफरेंट ऑपरेटर्स हैव डिफरेंट इंपैक्ट्स और डिफरेंट आउटकम्स, तो यहाँ पे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो भी है, सो सिमिलरली वी हैव अनदर ऑपरेटर कॉल्ड अ परसेंट ऑपरेटर, ठीक है, तो परसेंट का क्या मतलब होता है कि रिमाइंडर निकाल के दे दो, सो इट्स कॉल्ड अ मॉड्यूलस ऑपरेटर, सो व्हेन यू डू 3% 2 ये एक्चुअली क्या करता है कि 3 को 2 से डिवाइड करता है, एंड जो रिमाइंडर बच के निकलता है वो रिटर्न कर देता है, ठीक है, सो इट्स बेसिकली फॉर फाइंडिंग द रिमाइंडर, सो फॉर एग्जांपल 4% 2 अगर 4 को 2 से डिवाइड करो तो 0 रिमाइंडर है, तो इट विल गिव 0, इंस्टेड इफ यू डिवाइड लेट्स से 17 बाय लेट अस से 4, तो वो रिमाइंडर 1 है, इफ यू डिवाइड 17 बाय लेट्स से सॉरी 17% 3 रिमाइंडर इज 2 एंड सो ऑन, लाइक दिस इज बेसिकली द ऑपरेटर हियर, ठीक है, so these are the basic operator, mathematical operators जो हैं वो इतने ही basic operators होते हैं, इसके आगे there are other more sophisticated operations, वो आगे जाके देखेंगे हम, ठीक है, but my the important thing here is कि आपके पास एक IDE है, ये जो terminal दिख रहा है आपको, इसमें आप code लिखते हो, इसी में code execute करके देते, मतलब ये आपको code execute करके दे देता है, and this is basically called your IDE, okay, अब code जो होता है हमारा, तो ऐसे सोचो आप कि हमारा ये IDE है जहाँ पे हम कोड लिख रहे हैं, राइट, दिस इज आवर IDE, इसमें हमने कुछ कोड लिखा हुआ है, एंड देन वी हैव टू एग्जीक्यूट इट, राइट, एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है कि जो ऑपरेशन हमने यहाँ स्पेसिफाई किया है इसको एग्जीक्यूट करवाना है कंप्यूटर से, लाइक मैथमेटिकली, और जो भी सॉल्व करना है कंप्यूटर को, इट हैज टू एक्चुअली सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम, द कंप्यूटर कैसे काम करते हैं कि दे कन्वर्ट दिस कोड, दिस IDE, जो हमने जो IDE में कोड लिखा है, दे विल कन्वर्ट दिस इनटू बाइनरी कोड, क्योंकि मैंने पिछले सेशन में बताया आपको कि कंप्यूटर जस्ट अंडरस्टैंड बाइनरी कोड, दैट इज जीरोस एंड वंस, राइट, तो दे विल कन्वर्ट दिस इनटू बाइनरी कोड, एंड देन मतलब हार्डवेयर में कैपेबिलिटी होती है दैट इट विल अंडरस्टैंड कि इस बाइनरी कोड का मतलब क्या है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम एडिशन कर रहे हैं तो इट विल अंडरस्टैंड कि जब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद जो भी मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग इसका इनकोडिंग होगा, इट विल अंडरस्टैंड कि हाँ दिस बेसिकली मीन्स कि आई हैव टू ऐड 3 with 5 विच इज 8, एंड इट विल डिस्प्ले द रिजल्ट बैक टू यू, राइट, तो ये जो कन्वर्जन है लाइक दिस एग्जीक्यूशन प्रोसेस जो कि हम कोड ले रहे हैं एंड वी आर लाइक कन्वर्टिंग इनटू बाइनरी एंड देन द कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग इट एंड सॉल्विंग इट एंड देन रिटर्निंग द आंसर बैक, दिस होल प्रोसेस कैन हैपन इन टू वेज, मतलब दो डिफरेंट अप्रोचेस लेते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है, एक तरीका ऐसा होता है कि आपने कोड लिखा, लेट्स से 3 लाइन 4 लाइन कोड की लिखी हुई आपने, 1 2 3 4 देयर आर 4 लाइंस ऑफ कोड एंड ये 4 लाइन कोड कुछ ऑपरेशन अचीव कर रही है, लाइक दीज आर 4 स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ठीक है, सो सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस व्हाट दे डू इज दे विल टेक 1 लाइन एट अ टाइम, कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी और व्हाटएवर लैंग्वेज, मतलब व्हाटएवर लो लेवल लैंग्वेज दे हैव टू कन्वर्ट इट टू, राइट, एंड देन दे विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, ठीक है, एंड एवरी टाइम दे कन्वर्ट ईच लाइन दे विल ऑल्सो एग्जीक्यूट इट, ठीक है, इसको भी एग्जीक्यूट कर दिया, जब ये एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाए देन दे विल मूव टू द नेक्स्ट लाइन, कन्वर्ट इट, एग्जीक्यूट इट, मूव टू द नेक्स्ट लाइन, कन्वर्ट इट, एग्जीक्यूट इट, ठीक है, इस टाइप के प्रोसेसिंग को हम इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस कहते हैं,
ठीक है, इसमें क्या होता है कि लाइन बाय लाइन द कोड इज सॉल्व बेसिकली, जो आपके कोड की लाइंस है वन लाइन एट अ टाइम फ्रॉम टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट, आपका कंप्यूटर उस कोड को उठाता है, उसको सॉल्व करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। द अदर फॉर्म ऑफ, सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्म इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस, द अदर फॉर्म इज कि आपके पास चार लाइन है कोड की सेम एज अबव, राइट, दिस इज द फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ लाइन। सम अदर लैंग्वेजेस व्हाट दे डू इज कि इस पूरे को एट द सेम टाइम वो कन्वर्ट करते हैं इनटू सम लोअर लेवल कोड, लेट्स से बाइनरी या जो भी कन्वर्ट करना है, बट अभी एग्जीक्यूट नहीं किया इसको, लाइक इट जस्ट कन्वर्टेड इट, लाइक द फर्स्ट स्टेप इज कन्वर्जन, द सेकंड स्टेप इज एग्जीक्यूशन। तो पहले केस में कन्वर्जन पहली लाइन का हुआ, उसका एग्जीक्यूशन हुआ, फिर सेकंड लाइन में गए कन्वर्जन हुआ, एग्जीक्यूशन हुआ। बट दिस अदर टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज व्हाट इट विल डू इज इट विल कन्वर्ट एवरीथिंग एट वंस एंड देन ट्राई टू एग्जीक्यूट द होल थिंग एट वंस, ठीक है, ठीक है। एंड दिस फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूशन और दिस टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट्स कॉल्ड अ कंपाइल्ड लैंग्वेज। कंपाइल्ड क्यों? क्योंकि बेसिकली हम कोड ले रहे हैं, वी आर कंपाइलिंग इट इनटू, ओके क्या हो गया, सॉरी, तो बेसिकली वी आर कंपाइलिंग इट इनटू दिस फाइनल फॉर्म बट विदाउट एग्जीक्यूटिंग इट, एग्जीक्यूशन हम बाद में जाके करेंगे, ठीक है। तो इसमें यूजली क्या होता है कि एन एग्जाम्पल ऑफ अ लैंग्वेज दैट फॉलोज दीज टू फॉर्मैट्स, पाइथन जो है इट वर्क्स ऑन द इंटरप्रेटेड लैंग्वेज मॉडल, ठीक है, मतलब एक लाइन एट अ टाइम इट विल सॉल्व। अभी श्योर द बात सेकेंड सही हो रही फॉर्म, है, बैटरी इज गेटिंग लो, बैटरी आपकी सॉरी, कम हो रही हाँ है, नहीं आपके कोई लिए नहीं बोल है, सकते चलता, नो वरीज। तो द सेकेंड वन इज द कंपाइल्ड लैंग्वेज, राइट। कंपाइल्ड वाले में क्या होता है कि जो एग्जाम्पल है कंपाइल्ड लैंग्वेज का, इट्स फॉर एग्जाम्पल लेट्स से जावा है, मतलब जावा इज नॉट एग्जैक्टली आई वुड से कंपाइल्ड, लेट्स से सी है, ठीक है, सी या सी प्लस, तो दीज आर कंपाइल्ड। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कन्वर्जन होता है इनटू द ट्रांसलेटेड कोड एंड उसके बाद एग्जीक्यूशन होता है, इसमें डायरेक्टली एग्जीक्यूशन हो जाता है, ठीक है। एंड फर्क क्या पड़ता है, हमें क्यों इससे मतलब फर्क पड़ता है, द रीजन इज दैट फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई कोड है, लेट से आई हैव लेट से 3 or 4 lines ऑफ कोड, तो ये 4 lines है कोड की मेरी, ठीक है। एंड लेट से देयर इज एन एरर, मैंने कुछ गलती कर दी, लेट से इन द थर्ड लाइन, ठीक है, यहाँ पे गलती हुई है मेरे से। नाउ इफ आई एग्जीक्यूट दिस थ्रू एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, क्या होगा कि पहली लाइन आएगी वो सॉल्व मतलब एग्जीक्यूट हो जाएगी सही से, ठीक है, कोई इशू नहीं है, दूसरी लाइन आएगी वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगी सही से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीसरी लाइन में एरर आ जाएगा तो वहां रुक जाएगा प्रोग्राम, उसके आगे नहीं जाएगा, राइट। बट द फर्स्ट टू स्टेप्स दे वर कंप्लीटेड। इफ आई डू द सेम थिंग, इफ आई ट्राई टू डू द सेम थिंग यूजिंग अ कंपाइल्ड लैंग्वेज, क्योंकि वो सबका सब एक साथ ही कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, सबका सब एक साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, राइट, इट विल नॉट रीच द स्टेज की मतलब पहले दो इंस्ट्रक्शंस के बाद तीसरा पहुंचेगा वहां पे, इट विल फाइंड अ फेलियर, सो इट वॉन्ट बी एबल टू कन्वर्ट और ट्रांसलेट दिस लैंग्वेज और ट्रांसलेट दिस कोड इन टू द इंटरमीडिएट स्टेट, तो ये पूरा का पूरा रुक जाएगा, सो नाइदर ऑफ दिस ऑपरेशन विल बी एग्जीक्यूटेड, क्योंकि मैंने बताया आपको कि ट्रांसलेशन के बाद एग्जीक्यूशन होता है, राइट, बट ये ट्रांसलेट ही नहीं कर पाया तो एग्जीक्यूट कैसे करेगा, राइट। सो दैट इज वन मेजर डिफरेंस, देर आर अदर डिफरेंसेज बिटवीन इंटरप्रेटेड एंड कंपाइल्ड लैंग्वेजेस, बट दिस इज द मेजर वन, राइट, एंड दिस इज द मेजर इंपैक्ट, इसका जो मेजर फर्क पड़ता है हमारे को वो दैट इज दिस एग्जाम्पल। नाउ आई आल गो इन टू डिटेल अबाउट दिस क्रॉस दैट आई शोड हियर। तो मतलब मैंने यहाँ बताया कि यहाँ कोई एरर है, राइट, एरर का मतलब आप समझ मतलब समझते होंगे कि एरर क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, बट आई एल फॉर्मली डिफाइन एन एरर, ठीक है। तो एरर के जनरली दो टाइप्स होते हैं, राइट, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड अ सिंटैक्स एरर, ओके, द सेकेंड इज कॉल्ड अ सिमेंटिक एरर, ठीक है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंटैक्स और सिमेंटिक, तो वेन एवर यू थिंक ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जस्ट ट्राई टू कंपेयर इट विद अ नॉर्मल लैंग्वेज, लाइक नॉर्मल लैंग्वेज एज इन इंग्लिश और उर्दू या फिर कोई भी लैंग्वेज, ट्राई टू लाइक ड्रॉ पैरेलल्स बिटवीन द टू, क्योंकि काफी हद तक सिमिलर होते हैं। मतलब कैसे सिमिलर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश लैंग्वेज है हमारे पास, ठीक है, उसमें कुछ वर्ड्स होते हैं, प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं विच वी कैन यूज, राइट, एंड देन वी कैन फॉर्म सेंटेंसेज यूजिंग दीज वर्ड्स बाई कंबाइनिंग देम इन अ सर्टन वे, राइट, लाइक नाउन वर्ब जो भी है, एंड देन देर इज अ ग्रामर विच डिक्टेट्स कि ये सेंटेंस जो है ये सही है नहीं है, फॉर एग्जाम्पल यू नीड टू हैव अ नाउन एंड देन अ वर्ब एंड देन यू नो जो भी ग्रामर के रूल्स होते हैं, तो दैट इज प्रेजेंट इन इंग्लिश, राइट। सिमिलरली कोडिंग में या फिर जनरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हर लैंग्वेज का अपना एक कीवर्ड सेट होता है, लाइक वॉट आर द कीवर्ड्स और वॉट आर द कोड्स बेसिकली फॉर अचीविंग डिफरेंट थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में टेबल रिप्रेजेंट्स अ टेबल, राइट, लाइक अ फिजिकल टेबल, वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लाइक किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, फॉर एग्जाम्पल पाइथन में देर इज अ कीवर्ड कॉल्ड प्रिंट, एंड क्या करता है सिंपली इट जस्ट प्रिंट्स समथिंग ऑन द स्क्रीन, राइट, दैट्स इट।
मतलब ऐसे ही बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं, बट जस्ट लाइक इंग्लिश देर आर कीवर्ड्स दैट आर प्रेजेंट फॉर एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. एंड नॉट जस्ट दैट, जस्ट लाइक इंग्लिश लैंग्वेज देर इज अ ग्रामर प्रेजेंट इन पाइथन एज वेल और इन एनी जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि आप इन वेरिएबल इन कीवर्ड्स को बेसिकली हाउ यू कैन यूज देम, हाउ यू कैन कंबाइन देम, हाउ यू कैन अरेंज देम, व्हाट इज अ वैलिड कॉम्बिनेशन, व्हाट इज एन इनवैलिड कॉम्बिनेशन, तो अकॉर्डिंगली हमारे पास उसका ग्रामर भी होता है कि कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे ऑर्गेनाइज नहीं करना है, एंड व्हाट दैट ग्रामर इज एंड व्हाट दोज कीवर्ड्स आर यू विल लर्न विद टाइम. बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इन दोनों में ये चीजें प्रेजेंट होती है दोनों लैंग्वेजेस में. ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, एक सेकेंड. ओके ठीक है, तो गोइंग बैक टू दिस tree thing I have drawn over. So there are two types of errors. There are syntax errors and there are semantic errors. Syntax error, अगर English की बात करूँ ना मैं, मतलब example देने के लिए, तो English में जो error होते हैं ना, for example अगर मैं table को table के बदले table लिख दूँ, ठीक है, तो this is a mispronunciation. Basically मैंने गलत तरीके से लिखा है, एक valid character जो table था उसको मैंने गलत तरीके से table लिख दिया, right? So this is an error obviously, ठीक है, this is one form of error. ठीक है, then the other form of error is if I write a sentence which is grammatically incorrect, मतलब grammar उसका sense नहीं बनाता है. For example, Tom is a table, ठीक है, मतलब इसमें क्या है कि all of the elements of this are correct, मतलब अगर अलग अलग से देखो आप, Tom is correct, like it's a verb, like sorry a proper noun, then you have is and a table, right, all of these are proper words basically, right, there is nothing wrong with them, but जैसे आपने इसको combine किया है that is incorrect, right. वैसे कोई और थोड़ा example देता हूँ, थोड़ा exaggerated example, for example table is एयर, मतलब कुछ भी एग्जाम्पल, बट लाइक द इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट्स आर करेक्ट, इसमें कुछ गलती नहीं है, इसमें देर इज नो स्पेलिंग एरर्स, ठीक है, बट द कॉम्बिनेशन इज इनकरेक्ट, यू नीड टू हैव अ सर्टन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर. वैसे ही प्रोग्रामिंग में यू हैव मल्टीपल कीवर्ड्स, ठीक है, कीवर्ड सही लिखना काफी नहीं है, यू हैव टू प्रॉपरली स्ट्रक्चर देम, ठीक है. सो इफ यू कमिट एन एरर ऑफ द फर्स्ट टाइप इन विच यू मिस प्रोनाउंस बेसिकली सम टर्म और सम कीवर्ड और सम स्ट्रक्चर, दैट इज अ सिंटैक्स एरर. तो फॉर एग्जाम्पल प्रिंट को मैंने प्रिंट के पी आर आई एन टी के बदले सपोज पी आर आई एन एक्स लिख दिया, जो भी है, तो दिस इज बेसिकली सिंटैक्स एरर. अब दूसरा एरर ऐसा है कि प्रिंट जो होता है ना, जनरली बता रहा हूँ आपको, प्रिंट ऐसे करते हैं पाइथन में, प्रिंट एंड देन आई विल पुट इन ब्रैकेट्स व्हाट आई हैव टू प्रिंट, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, तो इससे क्या हो जाएगा कि स्क्रीन पे मेरे 1 2 3 प्रिंट हो जाएगा. एक्चुअली आई विल एग्जीक्यूट इट फॉर यू, इफ आई राइट प्रिंट एंड देन 1 2 3, इट विल जस्ट प्रिंट 1 2 3 नीचे, और इफ आई राइट प्रिंट Hello world, ठीक है, enter, it will just print hello world on the screen, right? तो इसमें क्या है कि ये जो प्रिंट की वर्ड है दिस इज करेक्ट, ठीक है, एंड इस केस में जो आर्ग्यूमेंट, इसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर जो डालते हैं हम, इसको आर्ग्यूमेंट कहते हैं, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, सो दिस इज अ वैलिड स्टेटमेंट. सिंटैक्स भी करेक्ट है, सिमेंटिक्स भी करेक्ट है. अब सिमेंटिक्स गलत कहाँ होंगे, तो इफ आई राइट समथिंग लाइक प्रिंट प्रिंट, तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या गलत है, ठीक है, तो लेट मी ट्राई कि रन होता भी नहीं होता है. एक्चुअली आई थिंक ये रन में भी रन हो जाए, बट लेट्स सी. ओके दिस विल एक्चुअली रन, लेट मी ट्राई समथिंग एल्स, प्रिंट प्रिंट इंट, एक्चुअली मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल ए इंटू 10, ये भी काम कर लेगा, बट आई विल डू दिस इंस्टेड, ए डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा सा एक एरर छप रहा है हमारे यहाँ पे. So it will actually tell you कि error क्या है at the very end, if you look at this properly, it will tell you कि error का reason क्या है, ठीक है. So in this case, syntax wise there is nothing incorrect, ठीक है, यहाँ पे एक character है A, right, and then there is a division symbol and there is a, you know, a number basically, so this is a valid syntax, इसका correct है, but semantics इसके गलत है, इसका grammar गलत है, like grammatically मेरा मतलब ये है कि इसका मतलब क्या है statement का, मैं ए कैरेक्टर को 10 में से डिवाइड कर रहा हूँ, इट डज नॉट हैव एनी मीनिंग, लाइक इट्स मीनिंगलेस, राइट, ग्रामेटिकली इट्स इनकरेक्ट. सो आइदर वे, अगर मैं सिंटैक्स एरर करूँ या सिमेंटिक एरर करूँ, आई विल गेट एन एक्सेप्शन, इट्स बेसिकली कॉल्ड एन एरर और एन एक्सेप्शन, ठीक है, विच विल टेल मी कि क्या गलती हुई, कहाँ पे गलती हुई है, एंड वॉट इज द रीजन ऑफ द एरर बेसिकली. तो हम एक कुछ हम सिंटैक्स सिमेंटिक एरर्स ट्राई करते हैं, तो आई विल जस्ट write some statements and aap try karo guess karne ka ki what kind of error I'm committing here. So I'll write something like print x abc, theek hai, so what is this error, like if you understood mera point jo tha, this is a syntax error. Yahan pe maybe likha nahi hai syntax error nahi hai, but this is a syntax error because print x is not a valid keyword basically, right, it does not mean anything in python, theek hai.
Similarly, if I do, let's say, a hello plus प्लस के बदले हम कुछ और करते हैं हेलो परसेंट वर्ड, ठीक है, सिमेंटिकली सॉरी सिंटैक्स वाइज इट्स करेक्ट कि मतलब ये एक वैलिड स्ट्रिंग है, मतलब इट्स अ वैलिड स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स, दिस इज अ वैलिड ऑपरेटर, दिस इज अ वैलिड स्ट्रिंग अगेन, बट सिमेंटिकली इट्स नॉट करेक्ट. एंड यहाँ पे अगर आप एरर थोड़ा पढ़ने की कोशिश करो, इट विल बी इट विल स्टार्ट मेकिंग अ लिटिल सेंस. यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा है, नॉट ऑल आर्ग्यूमेंट्स कन्वर्टेड ड्यूरिंग स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, ठीक है, तो इट माइट बी लिटिल डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, बट कहीं कहीं पे एरर बिल्कुल सिंपल होता है. जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में द एरर वाज नेम प्रिंट टेक्स्ट इज नॉट डिफाइंड, व्हिच मेक्स सेंस कि ये प्रिंट टेक्स्ट जो है डिफाइंड ही नहीं है पाइथन में, पाइथन डज नॉट नो व्हाट प्रिंट टेक्स्ट इज, राइट, सो दिस इज द एक्सेप्शन और द एरर दैट वी गेट हियर, ठीक है, सो दिस इज द टू फॉर्म ऑफ एरर्स दैट वी गेट हियर, ठीक है, सो ये हो गया. तो इसमें आई विल ब्रीफली सॉरी एक पॉइंट मेंशन करना भूल गया मैं. तो व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस, तो ऐसा सोचो आपकी आपका कोड जो है यहाँ पर पड़ा हुआ है, एंड आई टोल्ड यू कि बीच में कोई एक कंपोनेंट रहेगा जो आपके कोड को कन्वर्ट करेगा इनटू द फाइनल एग्जीक्यूटेबल फॉर्म, राइट, एंड देयर आर टू वेज टू डू इट, आइदर यू कैन हैव एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज जो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है, एंड द अदर वन इज अ कंपाइल्ड लैंग्वेज जो कि एक साथ एग्जीक्यूट होती है और एक साथ कन्वर्ट होती है बेसिकली. तो आपका कोड जो है इट विल बी लाइक अ हाई लेवल कोड, हाई लेवल एज इन कि ये इंग्लिश में लिखा है फॉर एग्जांपल, मतलब इट्स वेरी क्लोज टू इंग्लिश, फॉर एग्जांपल प्रिंट हेलो वर्ल्ड, इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड व्हाट इट मींस, राइट, बट कंप्यूटर को अंडरस्टैंड नहीं करना आता है, इट डज नॉट अंडरस्टैंड दीज हाई लेवल टर्म्स, इट हैज टू अंडरस्टैंड जीरो एंड वन, ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ कोड जो हम इंग्लिश के करीब वाली लैंग्वेज में लिखते हैं दैट इज कॉल्ड अ हाई लेवल कोड और अ हाई लेवल लैंग्वेज, एंड जो बाइनरी कोड होता है जीरोज एंड वन वाला उसको हम लो लेवल कोड कहते हैं. तो हाई एंड लो ऐसा समझो आप कि हाउ क्लोज और फार अवे द लैंग्वेज इज फ्रॉम व्हाट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड. सो इफ इट्स बाइनरी इट्स वेरी क्लोज टू व्हाट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड. अगर उसके बीच वाला कोई फॉर्मेट है तब इट्स लाइक समवेयर लाइक लोअर लेवल पे है, बट इफ इट्स समथिंग लाइक प्रिंट हेलो वर्ल्ड, राइट, देन इट्स अ हाई लेवल लैंग्वेज, राइट. तो एनीवेज यहां पे आपका हाई लेवल लैंग्वेज या हाई लेवल कोड है, एंड देन यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सम लो लेवल कोड व्हिच द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड. So this component that sits in between, which converts, which performs this conversion, it is either called an interpreter or a compiler, depending on which format of translation it is using. अगर interpreted language है, अगर वो line by line execute करता है, उसको interpreter कहते हैं, and अगर वो एक साथ execute करता है, उसको compiler कहते हैं, ठीक है? And Python जो जैसे मैंने बताया, it's an interpreted language. तो Python में एक interpreter इंस्टॉल आता है, जब डिफॉल्ट इंस्टॉल करते हो आप वहां से डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाता है, विच बेसिकली टेक्स योर कमांड्स एंड एग्जीक्यूट्स देम. तो यहाँ पे थोड़ा समझना आपके लिए मुश्किल हो रहा होगा कि कहाँ पे मतलब मल्टीपल स्टेटमेंट्स कहाँ है, कैसे हो रहा है, तो आई एक्चुअली डू दिस थिंग, आई गो टू फाइल एंड देन न्यू फाइल, एंड यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो फाइल खुली मेरी यहाँ पे, आई कैन राइट मल्टीपल स्टेटमेंट्स एट द सेम टाइम. तो इसमें और इसमें क्या फर्क है, जो पहले विंडो खुली थी मेरी, इसमें क्या होता है कि एज सून एज आई राइट सम कमांड, राइट, फॉर एग्जाम्पल I write 5 into 10, right? Immediately when I press enter, it executes it, right? Let's say I don't want to do it this way. I want it to be like, main multiple statements likhu and fir ek saath execute karu. So I'll create a new Python file here. So ye jo file, new file banai maine, this is a Python file, blank Python file. Now here I'll write some statements. So I'll write print 5 into 10, sorry, 5 into 10. राइट, मतलब ये समझाना मेरे लिए जरूरी नहीं होना चाहिए, लाइक इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस डज, ठीक है. सिमिलरली आई राइट 5, लेट्स से प्रिंट हेलो के ही है, ठीक है, एंड देन आई विल डू समथिंग लाइक लेट्स से प्रिंट 10 इनटू 7 प्लस 4 माइनस 6 बाय 2, ठीक है. तो दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी विल मेंशन लेटर, बट ठीक है. तो अब ये तीन स्टेटमेंट्स है, राइट, and I have not executed anything just yet. अगर मैं यहाँ पे ऐसे run कर रहा होता ना इसको, तो मैं as soon as I wrote the first one and I pressed enter, it would execute the first one and then it would like let me enter the second one. But now I have written them in the same file like all together. Now I can run them together also. So मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे run option रहता है मेरा, run module. तो आपको save करना पड़ेगा file को run करने से पहले. So just save it somewhere. I'll save it in desktop. Test फाइल रखते हैं इसका नाम ऐसा कुछ, ठीक है. तो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया, as soon as I saved it, it gets executed. So I'll actually show you again. तो रन पे जाके रन मॉड्यूल पे क्लिक किया, इट विल ओपन दिस अदर विंडो एंड यहाँ पे वो एक साथ एग्जीक्यूट कर लेगा तीनों कमांड्स को. तो पहली कमांड थी हमारी 5 into 10,
सो 50 हो गया उसका. वैसे सेकंड कमांड थी हमारी हेलो के ही आई, वो प्रिंट हो गया. एंड देन फाइनल कमांड वॉज दिस एक्सप्रेशन हेयर, इसका आंसर जो है 71 है. ठीक है, सो दिस इज लाइक हाउ, इसको मैं साइड बाई साइड रख देता हूँ एक सेकेंड. ठीक है, तो दिस इज हाउ द एग्जीक्यूशन हैपन्स. सो इन जनरल हाउ द एग्जीक्यूशन हैपन्स इज कि पहली कमांड जो सबसे ऊपर है पहले वो एग्जीक्यूट होगी, लेफ्ट टू राइट अंडरस्टैंड करेगा उसको, फिर सेकेंड कमांड होगी, फिर थर्ड कमांड एंड सो ऑन. राइट नाउ द रीजन आई एम मेंशनिंग दिस इज कि मैंने बताया आपको कि पाइथन रन्स द कमांड और रन्स द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन. तो अगर कहीं लाइन थर्ड पर फॉर एग्जाम्पल एरर होगा कोई, इट विल एग्जीक्यूट द फर्स्ट टू लाइन्स करेक्टली. उसके बाद जब थर्ड लाइन पे पहुंचेगा ना वो, तब उसको एरर ये समझ आएगा कि हाँ भाई कुछ गलती है, बट उस टाइम तक उसने पहले जो एग्जीक्यूट कर ली होंगी. ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू डू दैट. तो यहाँ पे मैं एक एरर डाल देता हूँ. तो यहाँ पे एक्चुअली मैं एक और नया प्रिंट लिख देता हूँ, उस लाइन में मैं एरर डालता हूँ कोई. तो एरर क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग अ स्ट्रिंग और लाइक दिस स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स एंड आई एम मल्टीप्लाइंग इट विद एन और एक्चुअली आई एम डिवाइडिंग इट विद सम नंबर. ठीक है, दिस इज एन एरर, दिस इज अ सिमेंटिक एरर. राइट, सिंटैक्स एरर नहीं है, सिमेंटिक एरर है, बिकॉज दिस डज नॉट मेक सेंस. राइट, इसका कोई मतलब नहीं है. सो लेट मी ट्राई टू रन दिस एंड लेट्स सी क्या होता है. okay, इसको सेव करते हैं फिर से. एंड यहाँ पे देख सकते हो आप कि इसका एग्जीक्यूशन रिजल्ट ये है. तो पहली लाइन 50 प्रिंट हो गया नॉर्मली, लाइक इट करेक्टली प्रिंटेड इट. देन हेलो की भी प्रिंट हो गया एंड देन 71.01 भी प्रिंट हो गया. एंड उसके बाद इसको समझ आया कि हाँ भाई कुछ गलती है, सो आई शुड थ्रो एन एरर. राइट, एंड एट द लाइक व्हेन इट वाज एग्जीक्यूटिंग द फोर्थ लाइन, देन इट सॉर्ट ऑफ थ्रू एन एक्सेप्शन और एन एरर सेइंग दैट यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है. ठीक है, सो दिस इज द इंटरप्रेटेड लैंग्वेज. राइट, एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जहां पे आपका एरर हुआ है उसके बाद प्रोग्राम जो आपका बचा हुआ वो एग्जीक्यूट नहीं होगा. सो इफ आई राइट अ वैलिड स्टेटमेंट हियर आल्सो, लेट्स से आई राइट प्रिंट हेलो अगेन, तो ऐसा है कि फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी, सेकंड होगी, थर्ड होगी, फोर्थ पे एरर आया, उसके आगे एग्जीक्यूशन नहीं जाएगी. बिकॉज एज सून एज एन एरर अकर्स द प्रोग्राम एग्जिट्स इट्स सॉर्ट ऑफ कंट्रोल एंड ये एक्सेप्शन था कि एग्जिट मतलब प्रोग्राम स्टॉप कर लेता है. तो इफ आई ट्राई टू रन दिस, तो यहाँ पे देख सकते हो कि वही पिछले जैसा इनपुट मतलब आउटपुट आया 50 हेलो के 71 एंड देन एरर दिखा रहा है ये. And it actually tells you कि error कहाँ पे भी है. देखो आप यहाँ पे अगर देखोगे ना ये line, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि इस फाइल में like the file that is on home user desktop test.py file का नाम है, उसकी fourth line में ये statement पड़ा हुआ है print Tabish by 100, उसमें ये error पड़ा हुआ है, मतलब उसमें ये error present है, unsupported operand type for str and int. इसका मतलब क्या है str and int का, वो थोड़ी देर में बताता हूँ मैं आपको. But basically यहाँ पहुँच के इसको error समझ आया एंड उसके आगे इसने execution नहीं करने दिया. Sorry. तो ऐसे हमारा इंटरप्रेटेड लैंग्वेज काम करता है. बट वी ऑल्सो हैव एट द सेम टाइम समथिंग कॉल्ड अ कंपाइल्ड लैंग्वेज. मैंने बताया आपको कि पहले वो डायरेक्टली कंपाइल करने की कोशिश करता है, डायरेक्टली ट्रांसलेट करने की कोशिश करता है एंड उसके बाद एग्जीक्यूशन की कोशिश करता है. एंड इन दैट केस इफ देयर इज एन एरर समवेयर इन बिटवीन, वो क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट ही नहीं करने देगा बिल्कुल भी, पहली लाइन भी नहीं करने देगा, क्योंकि वो उस स्टेप तक पहुंच ही नहीं पाता. बिकॉज इन द ट्रांसलेशन प्रोसेस इटसेल्फ इट फाइंड्स कि एरर है, बिकॉज इट डज नॉट गो लाइन बाय लाइन. राइट, वो डायरेक्टली देख के एक साथ कन्वर्ट करके पैकेज कर देता है उसको एंड इट फाइंड्स एन एरर, सो इट विल नॉट अलाउ यू टू एग्जीक्यूट इट. तो मैं दिखाता हूँ आपको उसका भी एग्जाम्पल. सो फॉर दैट आई कांट यूज पाइथन वो एग्जाम्पल दिखाने के लिए, बिकॉज पाइथन इज नॉट एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज. आई हैव टू यूज सम अदर लैंग्वेज. राइट, सो आई विल यूज जावा. ठीक है, सो जावा इज अ कंपाइल्ड लैंग्वेज. इट्स नॉट एग्जैक्टली कंपाइल्ड लैंग्वेज बट उसका बिहेवियर सिमिलर होता है उसकी तरह. आई होप यू कैन सी दिस. तो इसका कोड अब जो मैं लिख रहा हूँ वो मे बी आपको समझ नहीं आए, बट दैट्स ओके. आपको मैं बस दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे भी थोड़ा वैसे ही काम करता है. तो यहाँ पे जो प्रिंट है ना, जो मैंने पाइथन में प्रिंट लिखा था, यहाँ पे जावा में प्रिंट एज सच लिखते नहीं हम, वहाँ पे थोड़ा डिफरेंट कमांड होता है उसका, थोड़ा लंबा सा चौड़ा सा कमांड, थोड़ा कंफ्यूजिंग कमांड है, बट दिस इज हाउ इट इज रिटन. system.out.println. तो ये इसका मतलब कि वो इग्नोर कर दो फिलहाल, इमेजिन करो ये प्रिंट का जो काम है ये एग्जैक्टली वही काम करता है. ठीक है, दिस होल थिंग. एंड इसके अंदर मैं क्या लिखता हूँ जो मेरे को प्रिंट करवाना है, जैसे मैंने पाइथन में लिखा था 2 into 3 फॉर एग्जाम्पल, 2 into 3 जो भी है. आई विल राइट अनदर वन फॉर एग्जाम्पल 5 + 10. ठीक है, दो स्टेटमेंट लिखे हैं मैंने एंड देन आई विल रन दिस एंड इसका नीचे आपको आउटपुट दिख जाएगा. आई होप यू कैन सी द स्क्रीन, थोड़ा फॉन्ट साइज छोटा है. बट या बेसिकली यहाँ पे दो लाइन प्रिंट होगी मेरी 6 and 15 विच रिप्रेजेंट द आउटपुट ऑफ द फर्स्ट लाइन एंड द सेकंड लाइन. ठीक है, एंड देन इट सेज प्रोसेस फिनिश्ड विद एग्जिट कोड 0, बेसिकली इंडिकेटिंग कि प्रोसेस कंप्लीट हो गया आपका. नाउ आई वाज ट्राइंग टू शो यू कि इंटरप्रेटेड कंपाइल्ड का फर्क क्या है. राइट, सो लेट्स से इफ आई हैव अनदर एरर हियर, लाइक अनदर लाइन हियर विच हैज सम एरर. राइट, सो लेट्स से इट हैज एन एरर लाइक के ई आई एक स्ट्रिंग है, उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ लेट्स से 100 से. इसका कोई मतलब नहीं होता है. राइट, सो इफ आई ट्राई टू रन दिस नाउ क्या होता है कि यहाँ पे एक एरर आ जाता है. थोड़ा डिफिकल्ट है मतलब देखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट बेसिकली इट्स सेइंग सम एरर इज प्रेजेंट हियर. एंड यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि
The important thing is कि पहली दो lines भी execute नहीं हुई, यहाँ directly error आ गया. It says something like Java bad operand for binary operator divide. First type is string, second type is int. तो ये divide नहीं कर पा रहा है, and therefore the whole program is not allowed to execute. ठीक है, तो that is the difference between an interpreted and a compiled language. ठीक है, तो ये हो गया, इसको मैं erase कर देता हूँ, एक second. अच्छा, यहाँ तक जो अभी हमने पढ़ा ये ना, ये language के difference, is it clear to everyone? कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी को? If you have, write down in the chat box. Right. ठीक है, तो ये हो गया हमारा पाइथन का जो बेसिकली था. तो अब देखो क्या है कि यहाँ पे हमने तो बिल्कुल बेसिक ऑपरेशन देखे अभी तक, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन देख लिया हमने, बट ऑब्वियसली इतना काफी नहीं है. वी नीड मोर कॉम्प्लिकेटेड operations for solving more complicated problems. जैसे कि मैंने initially आपको एक problem बताई थी, mathematical problem, which was solving a quadratic equation. तो ax square plus bx plus c is equal to 0, ये quadratic equation है. इसका solution क्या होता है? Solution आपको पता है math से क्या होता है इसका? x is equal to plus minus and sorry b square plus minus sorry मैं लिख रहा हूँ मैं b square plus minus under root भूल गया मैं कोई क्वेश्चन फॉर्मूला क्या होता है. ग्रेट, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ऐसा कुछ होता है ना. ठीक है, कहाँ है इमेजेस? ठीक है, तो याद आ गया मेरे को, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय 2a, ये होता है सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. राइट, तो एक्चुअली दो सॉल्यूशन होते हैं, एक तो प्लस वाला एंड माइनस वाला. करेक्ट, तो द थिंग इज फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एक इक्वेशन दे देता हूँ ऐसे, राइट, विद ऑब्वियसली विद वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी, जो कोफिशिएंट्स होते हैं, इसका वैल्यू दे देता हूँ मैं. फॉर एग्जाम्पल ए बता दूँ मैं आपको, लेट से ए इज 10 एंड लेट से बी इज 3 एंड सी इज सपोज 1. तो आई डोंट नो ये सॉल्व हो भी सकती है नहीं हो सकती, बट लेट से दीज आर द थ्री कोफिशिएंट्स आई गेव यू फॉर ए बी सी. तो आई वॉन्ट यू टू फाइंड कि एक्स का वैल्यू क्या है सो दैट दिस इक्वेशन इज सॉल्वेबल. तो आप क्या करोगे, मतलब मैन्युअली अगर करना है आपको, यू जस्ट पुट दीज वैल्यूज इन दिस बी बी स्क्वायर फोर ए सी जो भी है, एंड यू विल ट्राई टू कम अप विद अ सॉल्यूशन. सो माइनस बी इज लाइक माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर इज 9 माइनस 4 ए सी इज 4 1 10 इज 40. तो दिस वन इज नॉट सॉल्वेबल एट ऑल बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव अंडर रूट आ रहा है. बट यू नो यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम कि आपको सॉल्व करनी है कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो हाउ डू यू सॉल्व इट. तो दिस इज फाइन, मैन्युअली तो कर सकते हैं हम. द क्वेश्चन इज हाउ डू वी डू इट इन अ प्रोग्राम, राइट? तो उसके लिए क्या करते हैं हम, क्या करेंगे इसमें, जैसे कि मैथ में होता है ना, मैथ में यू कैन डू समथिंग लाइक दिस, सॉरी, मैथ में यू कैन डू समथिंग लाइक ए इज इक्वल टू सपोज 10, B is equal to 3 and C is equal to 2, right? तो math में, forget about programming, math में इसको क्या बोलते हैं basically? Assignment बोलते हैं इसको. And what is this thing? This A, B, C, what is this? This is a variable, correct? Exactly वैसे ही programming में भी you can create variables with values, right? So for example, I can create A is equal to 10 or B is equal to 1, 2, 3, ठीक है? And then what I can do is I can use them directly. So when I say print A, it will not print this character A. It will print the value that this A stores, which is 10. Similarly, if I do print B, it will store like print the value that is stored in B, which is 1, 2, 3. Vaise, if I do print A plus B, it will not print A plus B. It will print value of A plus value of B. So if I run this, so clear kar deta hu actually ek bar, fir se run karte hain. So yeah, 10, 1, 2, 3 and 133, jo bhi hai, theek hai? So in this case, what is happening is ki ye jo value maine yahan likha hua hai, it is not taking it literally, ठीक है, it is taking actually the value that is stored in this variable. Just like math में होता है, right? When you actually write like for example, equation आपकी a is equal to 10, b is equal to c, जो भी है, and then you write suppose a into b square minus 4 is जो भी है, तो you don't actually mean कि a और b values है, you mean variable का value जो है वो use करना है. Similarly यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि वही value use हो रहा है a, b और c का, मतलब a और b का. Now the question is, for example, मेरे दिमाग में आ सकता है कि what if I want to actually print a plus b, like not a plus b value वाला, I just want to print a plus b string, मतलब जो बिल्कुल ऐसा ही दिखना चाहिए a plus b, right? और I just want to print a. अब मैं फंस गया यहाँ पे, like print a मैं जब बता रहा हूँ तो ये इसका value उठा के दे रहा है मेरे को, मतलब वही print कर रहा है, वैसे ही b का value print कर रहा है. Instead of printing b, the character itself, it's printing the value of b. So how do we sort of figure, like solve that problem? ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है कि programming में जो भी वैल्यूज होते हैं दे हैव अ टाइप, ओके, अ डेटा टाइप. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल टाइप्स कैसे होते हैं, लेट्स सी. ठीक है, तो आई जस्ट राइट सम वैल्यूज हियर, लाइक आई विल राइट सम थिंग्स हियर एंड आई विल ट्राई आस्क यू टू लाइक सॉर्ट ऑफ फिगर आउट कि इनमें डिफरेंस क्या है आपस में.
So the first thing I'll write here is, let's say 10. Okay. Then I'll say, let's say right here, X. Okay. And then I'll write something like hello. Or then I'll write something like, let's say 5.34. ठीक है वैसे आई माइट राइट समथिंग लाइक 3.41 जो भी मतलब बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे राइट नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम इनका मतलब डिफरेंट है एक हिसाब से देखा जाए तो ये जो है दिस इज अ नंबर विदाउट अ डेसिमल राइट दिस इज अ कैरेक्टर अ सिंगल कैरेक्टर राइट ए टू जेड में से कोई एक वैल्यू है दिस इज अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स राइट लाइक अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स एंड दिस इज अ नंबर विद अ डेसिमल राइट तो वैसे ही प्रोग्रामिंग में ये जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं राइट इनका अपना अपना नाम होता है राइट सो दिस 10 फॉर एग्जांपल वी कैन कॉल इट इंट इंट मतलब इंटीजर इंटीजर इज बेसिकली समथिंग दैट डज नॉट हैव अ डेसिमल वैल्यू आफ्टर इट ठीक है सिमिलरली इफ यू हैव अ सिंगल कैरेक्टर यू कैन कॉल इट अ कैर और अ कैरेक्टर लाइक शॉर्ट फॉर अ कैरेक्टर इंट इज लाइक शॉर्ट फॉर इंटीजर कैर इज शॉर्ट फॉर कैरेक्टर हेलो इज बेसिकली अ स्ट्रिंग ओके स्ट्रिंग मतलब कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स ठीक है एंड देन दिस 5.34 इसको प्रोग्रामिंग में जनरली क्या बोलते हैं इसको फ्लोट कहते हैं राइट तो इसका मतलब क्या है इनका व्हाई डू वी नीड ऑल दिस इनका मतलब ये है कि व्हेन यू एक्चुअली यूज सम वैल्यू इन कंप्यूटर लाइक इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज व्हेन यू टाइप दिस वैल्यू योर कंप्यूटर नीड्स टू अंडरस्टैंड कि ये क्या है इज इट एन इंटीजर इज इट अ कैरेक्टर इज इट अ स्ट्रिंग इज इट अ फ्लोट व्हाई डू वी नीड टू नो दिस तो मैंने जो प्रॉब्लम बताई थी अभी कि मेरे को प्रिंट करना था कुछ राइट तो मेरे को प्रिंट करना था फॉर एग्जाम्पल ए बट मैंने ए में सपोज 10 डाल दिया था बट इसके दो मतलब हो सकते हैं या तो आई वॉन्ट टू प्रिंट 10 और आई वॉन्ट टू लिटरली प्रिंट ए राइट डिफरेंस क्या है कि 10 जो है इट इज एन इंटीजर एंड इट इज अ वैल्यू स्टोर्ड इन दिस वेरिएबल ए ये जो ए नीचे वाला इट्स अ कैरेक्टर बेसिकली ठीक है तो समहाउ यू नीड अ वे टू आइडेंटिफाई और डिफरेंशिएट बिटवीन दीज डिफरेंट वैल्यूज ताकि आपके कंप्यूटर को समझ आ जाए कि मेरे को इंटीजर प्रिंट करना है या फिर मेरे को कैरेक्टर प्रिंट करना है राइट इफ यू कैन समहाउ कन्वे दैट टू योर कंप्यूटर वो खुद सही चीज प्रिंट कर लेगा तो इसको समझाने के लिए आई थिंक जावा इज अ बेटर वे टू एक्सप्लेन दिस इफ आई गो टू माई जावा आईडी ये नहीं है कहाँ है राइट दिस वन तो जावा में क्या होता है कि व्हेनेवर यू क्रिएट अ वैल्यू लाइक दिस लाइक व्हेनेवर यू क्रिएट अ वैल्यू नंबर हो कैरेक्टर हो यू हैव टू डिस्क्राइब कि ये कौन सा टाइप है राइट जो मैंने टाइप्स यहाँ बताए चार टाइप्स मतलब इसके अलावा भी कुछ टाइप्स होते हैं बट दीज आर द फोर बेसिक वंस कहाँ गए मेरे टाइप्स हाँ तो ये चार टाइप्स जो है यू हैव टू टेल द कंपाइलर द कंप्यूटर बेसिकली द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिक्वायर्स यू टू डिस्क्राइब वॉट टाइप इट इज तो यहाँ पर मैं कैसे लिखता हूँ कि आई विल एक्चुअली राइट int a is equal to 10 इसका मतलब ये है कि जो a है this is actually a this is not the character a this is a variable ठीक है मैं इसको यहाँ पे इसके बदले यहाँ पे print मतलब copy paste करता हूँ ताकि दिख जाए आपको तो this is what I've written on the other thing right int a is equal to 10 इसका मतलब ये है कि I want to create a variable जिसका नाम a है उसमें value 10 stored है and जो value है ना वो एक integer है basically right so you want to describe three things You want to describe कि इस वेरिएबल का नाम क्या है इसमें क्या वैल्यू स्टोर्ड है एंड वो वैल्यू का टाइप क्या है ओके फॉर एग्जाम्पल आई विल राइट समथिंग एल्स लाइक दिस कैर ए इज इक्वल टू ए तो थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा बट लेट्स ट्राई टू फिगर इट आउट तो दिस इज अ वेरिएबल जिसका नाम ए है लाइक वी आइडेंटिफाइड बाई ए एंड इसमें जो वैल्यू स्टोर्ड है दैट इज दिस कैरेक्टर ए लाइक दिस ए एंड लाइक हाउ डू वी नो वट दिस इज वी हैव स्पेसिफाइड कि ये कैर है मतलब एक कैरेक्टर है करेक्ट So if I write this over here, char a is equal to a. Okay. A, हाँ ठीक है यहाँ पे एक प्रॉब्लम है इसको मैं b लिख देता हूँ b के बदले. There's a problem here. One second. And now if I try to print this right system dot out dot println करके, print a and then I'll print b. ठीक है इसको मैं run करता हूँ. Run this. एक सेकेंड इट्स स्टिल रनिंग हाँ एंड यहाँ पे आपको आउटपुट दिख रहा है 10 है मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ दूसरे यहाँ पे ठीक है सो दिस इज द आउटपुट आई एम गेटिंग तो पहले केस में मेरे को 10 मिला एंड दूसरे केस में मेरे को ए मिला राइट सो दिस इज वन थिंग एंड अनदर थिंग इज कि आपकी वेरिएबल जो है तो देर इज अनदर सिंपलर वे टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ वेरिएबल नेम एंड अ स्ट्रिंग बेसिकली तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऐसे है कि आपका एक वेरिएबल है हेलो इसमें कुछ 1-2-3 स्टोर्ड है एंड यू वांट टू प्रिंट हेलो लाइक नॉट द वैल्यू इन दिस हेलो यू वांट टू प्रिंट द एक्चुअल हेलो HELLO तो आप क्या कर सकते हो कि आप सिंपली यू कैन टाइप दीज डबल कोट्स अराउंड इट एंड देन राइट हेलो ठीक है व्हाट द कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स इज कि
यहाँ पे आई हैव टू प्रिंट समथिंग, बट सिंस इट्स इनसाइड दिस डबल कोट्स आई डोंट हैव टू फाइंड अ वेरिएबल विद दिस नेम, दिस इज जो भी यहाँ पे लिखा है इन डबल कोट्स के बीच में, आई विल एग्जैक्टली प्रिंट द सेम थिंग. तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई प्रिंट समथिंग लाइक ए प्लस बी, राइट, तो अगेन यहाँ पे इट विल सी कि हाँ ये डबल कोट्स के अंदर है, तो दिस इज नॉट अ वेरिएबल. मुझे ए ढूंढ के नहीं लाना है, मुझे बी ढूंढ के नहीं लाना है, आई विल जस्ट प्रिंट एग्जैक्टली वॉट इज इन साइड दिस. And this is basically called a string because it's a collection of characters. देखो a character है, space character बीच में, फिर plus character है, and then so on, right? This is again a string, right? तो when you use double quotes around your value, basically it will understand that this is a string and I will have to print it or use it exactly as is. I don't have to fetch the values a or b या फिर जो भी अंदर इसके पड़ा हुआ है, I just have to directly use it as it is, ठीक है? तो if I like I'll show you by running this actually, तो मैं ये हटा देता हूँ. तो अभी क्या है कि हेलो 1 2 3 है, राइट, एंड यहाँ पे मैंने प्रिंट हेलो लिखा है. इसके नीचे मैं एक काम करता हूँ कि प्रिंट एच ई एल एल ओ विदाउट इनवर्टेड ब्रैकेट लिखता हूँ, ठीक है. एंड इफ आई रन दिस, रन मॉड्यूल एंड देन रन, एंड यहाँ पे देख सकते हो कि पहले हेलो प्रिंट हुआ, राइट, विच वॉज द स्ट्रिंग हेलो, देन यू हैव हेलो द वैल्यू इट सेल्फ, एंड देन यू हैव ए प्लस बी, राइट, जो कि कैरेक्टर्स हैं, करेक्ट. एंड एक्चुअली इफ आई ट्राई टू डू दिस प्रिंट ए प्लस बी, तो आई वॉन्ट टू गेस इसमें क्या होगा, लाइक वॉट इज द डिफरेंट, आई एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्टेटमेंट्स. सो वॉट डू यू थिंक विल हैपन इन दिस सिचुएशन, तो सॉरी, तो इन दिस केस इट अंडरस्टैंड कि स्ट्रिंग है, जो भी अंदर लिखा है डायरेक्टली प्रिंट करना है. इन दिस केस सिंस आई हैव नॉट एडेड एनी डबल कोट्स अराउंड इट, इट विल ट्राई टू फाइंड अ वेरिएबल विद द नेम ए एंड विद द नेम बी. बट क्या है कि यहाँ कोई वेरिएबल ही नहीं लिखा मैंने ऊपर जो ए और बी के नाम से, राइट, सो व्हाट इट शुड डू इज इट शुड थ्रो एन एक्सेप्शन. एंड विच काइंड ऑफ एक्सेप्शन इज इट, इट्स अ सिमेंटिक एक्सेप्शन बिकॉज सिंटैक्स वाइज सब करेक्ट है, मतलब इट कुड बी द नेम ऑफ अ वेरिएबल, दिस कुड बी द नेम ऑफ अ वेरिएबल, एंड दिस इज अ प्रॉपर ऑपरेंड लाइक ऑपरेटर, सो सिंटैक्स वाइज इट्स करेक्ट, लाइक प्रिंट में ऐसे डालते हैं सब ठीक है, बट सिमेंटिक गलत है इसका, मतलब यहाँ ए और बी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो क्या प्रिंट करेगा. सो आई ट्राई टू रन दिस एक्चुअली, I should see a big red exception. So यहाँ पे देख सकते हो कि ये है blah blah blah, and then it says something like file is line number 6 में exception है, print a or b a plus b statement में exception है, and it exactly tells you what the exception is. Name error, name a is not defined. Like a जो variable मैंने यहाँ लिखा हुआ है, it is not defined. It like इसका value कहीं पड़ा हुआ नहीं है, so we can't print it basically. So that is the error. And the reason that it did not say कि b का value, मतलब यहाँ पे बस इतना लिखा है कि name a is not defined. Why is it not saying कि b is not defined? Because Python is an interpreted language, वो क्या करता है कि line by line में भी मतलब sequence में जाता है, तो it will try to like go in sequence and it will see कि हाँ A में को print करना है and it will try to find A but नहीं मिलता है, तो exception फेंक दिया वहाँ पे, उसके आगे गया ही नहीं, खत्म हो गया, ठीक है. So this is the basic of interpreted and compiled language. So if you want a slight challenge to test Python out, to test if you can like try out Python and do Python yourself, जो ये quadratic equation वाला problem था ना, कहाँ गया, इसको बंद कर देता हूँ मैं, ये वाला, राइट. सो इमेजिन आई गिव यू थ्री वैल्यूज ए बी एंड सी, राइट, एंड लेट्स से ए बी सी वैल्यू यहाँ पे स्टोर किया हुआ मैंने, ए इज इक्वल टू लेट्स से -10 एंड बी इज इक्वल टू 3 सपोज 4 जो भी है, सी इज इक्वल टू 5, ठीक है. ये तीन कोएफिशिएंट्स है आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऑफ द फॉर्म ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. एंड नाउ आई वॉन्ट यू टू बेसिकली प्रिंट टू वैल्यूज. पहले तो आप फर्स्ट सोल्यूशन प्रिंट करोगे इसका जो भी होगा, ओके सॉरी ये क्या हो गया, एंड देन यू विल प्रिंट द सेकंड सॉल्यूशन, राइट, सेकंड सॉल्यूशन, करेक्ट. सो यू विल प्रिंट द फर्स्ट सॉल्यूशन एंड द सेकंड सॉल्यूशन. यहां पे जब मैं रन करूं इसको, बेसिकली इट शुड प्रिंट आउट द आंसर फॉर दैट. सो दिस इज लाइक अ स्मॉल एक्सरसाइज फॉर यू, यू कैन ट्राई आउट इफ यू आर एबल टू फिगर, लाइक ट्राई टू फिगर इट आउट. इसमें यू विल फाइंड सम इंटरेस्टिंग थिंग्स, थिंग्स लाइक अ फंक्शन बेसिकली, एंड वो यहाँ पे मे बी इस सेशन में पढ़ाए नहीं हम आपको, बट इन द फ्यूचर वी विल टच ऑन दैट. बट इफ यू ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम यू विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कि फंक्शन क्या होता है एंड वाई वी यूज फंक्शन बेसिकली. बिकॉज इफ यू थिंक अबाउट इट फॉर 2 seconds लाइक विदाउट सॉल्विंग इट, आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन कि कैसे अप्रोच होगा. तो आपको पता है कि इक्वेशन ऐसे है कि माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, मतलब ऐसा नहीं लिखता हूँ कि पहला सोल्यूशन जो है बेसिकली फर्स्ट सोल्यूशन, इट विल बी लाइक दिस, सोल्यूशन इज माइनस बी प्लस अंडर रूट, राइट, अंडर रूट, अंडर रूट किसका, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, जो कि बी स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, राइट, माइनस फोर इंटू ए, सॉरी फोर इंटू ए इंटू सी, ओके सी, ठीक है. तो ये ऊपर जो न्यूमरेटर है इसका, एंड डिवाइडेड बाई द होल थिंग डिवाइडेड बाई 2a, राइट, डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, ठीक है. तो इसमें इफ यू आर लाइक मतलब इफ यू
ऑब्जर्व दिस थिंग क्लोजली, दिस एक्सप्रेशन क्लोजली, इसमें एक चीज कम है जो हमने आपको दिखाई नहीं कि कैसे होता है, राइट? सो हाउ डू यू एक्चुअली डू इट, राइट? सो दैट इज द चैलेंज दैट यू हैव टू फिगर आउट, एंड वो आपने सॉल्व कर लिया, देन इट विल बी प्रीटी सिंपल कि फर्स्ट सॉल्यूशन ऐसे है, दूसरे सॉल्यूशन में प्लस के बदले माइनस है, एंड बाकी सब सेम है, एंड देन यू विल प्रिंट द फर्स्ट सॉल्यूशन एंड सेकंड सॉल्यूशन. बट देन देयर इज अनदर चैलेंज कि अगर अंडर रूट का वैल्यू नेगेटिव आ गया, राइट? लाइक दैट इज अ प्रॉब्लम बेसिकली, बिकॉज यू कैन नॉट हैव अंडर रूट के अंदर नेगेटिव, इट्स एन इमेजिनरी नंबर. तो वॉट इफ आई गिव यू वैल्यू ऑफ ए बी सी जिसके लिए अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू आता है इट्स नेगेटिव, राइट? How do we deal with that situation? So my requirement for you, from you is ki us case mein it should just print something like this. No real solutions exist. Simply print this out, right? In case under root ke andar jo value hai, if it is negative, then print this out, right? So teen possible output ho sakte hain is program ki jo aap banaoge. It should either print no real solutions exist if the under root is negative. It should print the first solution and the second solution if a solution exists, right? So that is the basic exercise I would like you to do. So iske ilawa, let me think if there's anything else we can carry. Like we have 5-10 minutes maybe. Okay. Yeah. I think I'll just briefly touch upon a couple more things. Kavish, basically there's a couple of questions. Arbina is asking, how does it print, you know, 10 here? A is equal to 10. And print. Can we do Python coding in Termux? Termux, mein kyun karoge tum agar tumhare paas ID? Like Termux, you can do like everything you can do. But like try to use a simpler ID. And for people who don't have access to a computer, right? Jinke paas laptop nahi hai maybe. So what you can do is you can go online and you can search for Python online. Like run Python online, something like this, run Python online. Not run Python online, run Python online. And यहाँ पे different websites होती हैं जहाँ पे आप जाके online इस code को डाल के execute कर सकते हो from your phone or from your laptop. If you have a phone, you can directly open this website. And यहाँ पे कहाँ पे terminal है इसका? यहाँ पे जो black screen है, it is loading. Give it a second. तो यहाँ पे ये load हो गया. It's still loading. Okay. Now I can type the command जो भी मैंने बताई आपको. Exactly वही command यहाँ लिख सकते हो. It will do the same thing. 3+5. It will run online and it will show you the result yahan pe. This one is a little slow to execute. Like you can find something better. Maybe this one is a little better. I don't know. Ab dekh lo aapas mein, matlab khud ek baar dekh lo ki like which one you want, which one looks nicer to you, and you can just sort of use that one. But if you have a laptop, I would highly recommend ki aap khud download karke isko locally run karo apne system pe. अच्छा, एक और चीज मुझे पूछनी है आपसे. आई मीन इज देयर एनी रीडिंग मटेरियल, यू नो, सम काइंड ऑफ अ रेफरेंस मटेरियल पाइथन पे? हां श्योर, लाइक वंस वी गेट इनटू पाइथन अ लिटिल बिट मोर, आई थिंक अकॉर्डिंगली हम कुछ मटेरियल दे देंगे. राइट नाउ आई डोंट हैव एनीथिंग ऑफ द टॉप ऑफ माय माइंड, मेरे पास कुछ है नहीं, बट लाइक इन द फ्यूचर, लाइक व्हाटएवर यू नो, डिपेंडिंग ऑन व्हाटएवर sessions we go over, we will give this material for that. तो ये बिल्कुल इंट्रोडक्टरी सेशन था. आई डिडंट वांट टू लाइक गेट इनटू लाइक वेरी the fine grain detail of Python. So it's so just to like get your feet wet, thoda sa idea dene ke liye kaise kaam karte hain. So what else do we have in the question? Ja tab is mein you know aap padhte jayenge questions ko. I have to you know make some announcement jo maine initially bataya tha, kuch some student joined little later. Dekhiye main abhi tak aapka snapshot hi le raha tha aapke attendance. So because you know for the certification hamare paas do criteria hai, ek aapki attendance aur dusra aapki performance. Attendance ke liye kya kar rahe hain aaj ke baad? So I'll be sharing this Google form with you. So try to fill that in every session. Main WhatsApp pe wo share nahi karunga kyunki WhatsApp pe wo bhi honge ki kisi wajah se kisi ne session apps you know miss ki kar diya. So I'll be sharing this Google form only in this session. Maine chat mein dal di hai, so have a look. Ye copy karke rakhe aap. So try to fill it in next 5 minutes. Jab ye session complete hoga immediately, theek hai? To zyada nahi hai. So just have to mark your attendance and there are few questions so that we get you know immediate responses about each session. Theek hai, to I'll move on. What does the percent symbol stand for? Percent symbol I explained ki it is basically the remainder, like it gives you the remainder, a percent b. It's called ampersand, like sorry, this is percent symbol is called a modulus operator, right? A modulus basically means ki a percent b agar likhte ho aap, a ka kuch value hai, b ka kuch value hai, then it will give you a divided by b, remainder kya bachta hai wo it will return. So that is the use of this modulus. This is called the modulus operator. I have been using idle for a few months. Which id should I switch to now? So as I said ki matlab idle jo hai ek text editor, like the ek id hai basically for writing Python code. So this is the idle editor that you can see, but iske ilawa kuch other more sophisticated ids hote hain. For example, I have this one running here, it's called PyCharm.
तो इसमें क्या होता है, इसमें थोड़े एडिशनल फीचर्स रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी वट वैल्यू अ वेरिएबल हैज, और लाइक मतलब काफी कॉम्प्लिकेटेड चीजें इसमें कर सकते हो आप. बट इफ यू हैव टू स्टार्ट आई वुड से लाइक जस्ट स्टार्ट विद आइडल, डोंट गो विद. इज माय स्क्रीन नॉट विजिबल? Yeah, it's visible. ओके, तो हाँ, तो बेसिकली ये जो आइडल वगैरह है, दिस लाइक हैज मोर कॉम्प्लिकेटेड फंक्शनैलिटीज, बट स्टार्ट विद आइडल, डोंट गो विद लाइक कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन. स्टार्ट इसे करो, फिर बाद में जाके यू कैन स्विच टू समथिंग एल्स. हाउ डज इट प्रिंट 10 हियर एज वी हैवंट डिफाइंड इट्स डेटा टाइप? हाँ एग्जैक्टली, दिस इज अ ग्रेट क्वेश्चन. एक्चुअली आई मिस्ड आउट ऑन दिस पॉइंट. तो जो जावा में आपको दिखाया मैंने कोड, कि वहाँ पे कोड ऐसे लिखा था मैंने कि कहाँ गया मेरा जावा कोड. तो इंट ए इक्वल टू 10 एंड देन आई डिड प्रिंट ए बेसिकली. ठीक है, तो एक्चुअली आई फॉरगॉट टू मेंशन दिस इज अ ग्रेट पॉइंट. तो आई जस्ट ओपन माय बोर्ड हियर. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में दो टाइप के तरीके होते हैं टू अंडरस्टैंड अ वेरिएबल. देयर इज समथिंग कॉल्ड इम्प्लिसिट टाइपिंग, इम्प्लिसिट टाइप, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एक्सप्लिसिट टाइप, एक्सप्लिसिट टाइप. ठीक है, इम्प्लिसिट टाइपिंग बेसिकली क्या होता है कि एक्चुअली आई स्टार्ट विद एक्सप्लिसिट टाइप. एक्सप्लिसिट टाइप ऐसा होता है कि जो भी आप वैल्यू डिफाइन करोगे, फॉर एग्जांपल 10 लिख रहे हो, फिर 10.1 लिख रहे हो, फिर जो भी लिख रहे हो आप, यू हैव टू स्पेसिफाई कि इसका जो वेरिएबल है इसका टाइप क्या है. लाइक इज इट एन इंट और इज इट अ फ्लोट और वट एवर इट इज, यू हैव टू नेसेसरली मेंशन दिस. अगर आपने नहीं लिखा ना, अगर आपने डायरेक्टली इक्वल टू 10 लिख दिया, इट विल थ्रो एन एक्सेप्शन सेइंग कि इसका जो टाइप है आपने बताया नहीं है. सो प्लीज स्पेसिफाई द टाइप. एंड जावा जो है, इट इज वन ऑफ दोज लैंग्वेजेस, लाइक इट विल रिक्वायर यू टू ऑलवेज write a type. So if I try to do something like int a equal to 10 ke badle main directly likh do, it will throw an exception or an error saying ki a ka value jo hai mujhe samajh nahi aa raha hai ki kya type hai. So you can see here, cannot find symbol, symbol variable a and like whatever the exception is, basically saying ki aapne iska type nahi bataya, right? So this is a explicit type language, right? Or a strongly typed language, because it strongly requires you to specify the type. Then there are implicit type languages, jisme kya hota hai ki when you specify something like a equal to 10, वो लैंग्वेज खुद ही इंटेलिजेंटली अंडरस्टैंड कर लेती है कि दिस इज एन इंटीजर, राइट? सो ऑटोमेटिकली इट विल सॉर्ट ऑफ असाइन ए टू इंट. सिमिलरली इफ यू राइट बी इज इक्वल टू 10.1, इट विल अंडरस्टैंड कि इंट तो नहीं होगा ये, बिकॉज लाइक इसमें डेसिमल है. सो आई विल ऑटोमेटिकली टेक बी एंड असाइन इट टू लाइक, मतलब दिस इज अ फ्लोट टाइप. एंड पाइथन जो है वो एक इम्प्लिसिट टाइप लैंग्वेज है. सो आई विल एक्चुअली शो यू. तो इफ आई गो टू पाइथन, तो इफ आई राइट ए इज इक्वल टू 10, ठीक है, तो मैंने बस यहाँ पे लिखा कि ए है और ये 10 है, राइट? आई हैवंट स्पेसिफाइड कि टाइप क्या है इसका, बट आई कैन एक्चुअली सी द टाइप ऑफ ए. सो आई कैन राइट टाइप ऑफ ए. आई विल डू प्रिंट टाइप ऑफ ए. सो बेसिकली स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि जो ए वेरिएबल है इसका टाइप क्या है वो निकालो एंड वो प्रिंट कर दो. सो इफ आई रन दिस, रन मॉड्यूल, इट विल शो मी यहाँ पे कि क्लास इंट. तो बेसिकली इट्स अ टाइप इंट. इफ आई चेंज दिस टू 10.1, now it's not an int anymore. So this should automatically figure out ki int nahi hai, this is something else. So it should print accordingly. So if I run this, it will say float, right? Similarly, if I do a is equal to, let's say, a character data x, right? And run this module, it will accordingly show me this is a str, which is short for string, okay? So Python jaisi languages hoti hai, wo implicit languages hoti hai, in the sense ki usme type jo hai variable ko batane ki zarurat nahi padti, wo khud understand kar leta hai usko, theek hai? But Java mein, C++ mein, you have to necessarily specify the type, okay? Sir, why is solution giving syntax error? I run the same code. Aap ek bar code mere ko bhej do alag se, main dekh ke batata hu aapko. And yeah, I think that is all the questions we have here. So, ek ghante mein matlab zyada cover nahi kar paya, but like this is a basic introduction to programming and like concepts of programming. Iske aage kuch aage advanced cheeze dekhte hain. So I have one more minute left. I'll just explain like one or two more things, because that will be easier ki aage wale session mein aapko samajh aa gaya pehle se, to it will be easier to like solve that. To humne dekha ki kuch types aise hote hain ki 10 hai, ye integer hai, 10.1 hai, this is a float, xyz hai, this is a string, right? Then you also have some more complicated types. For example, this 10, 11, 12, 13, तो ये कॉमा बीच में बना रहा हूं मैं, ठीक है? So this is basically a collection of values, right? This is not one value, this is a collection of values, correct? And similarly, you can have something like this. Let me write something like table, and then 100, chair, 200, ठीक है? तो ये दो डिफरेंट टाइप के, मतलब ये दो कॉम्प्लिकेटेड टाइप्स हैं. लाइक दीज आर सिंपल और प्रिमिटिव टाइप्स,
right? Then these are like slightly more advanced types. So what this is the first one. It's basically a collection of values. So isme kya hota hai ki you take multiple of these primitive values and you put it here. So matlab ek int yahan pe, ek aur int yahan pe, ek aur int yahan pe. So you create like a bucket of integers, right? So isko hum kya kehte hain? Isko hum list kehte hain simply. ठीक है. Similarly this thing over here, I'll start by the name. It's called a dictionary. And why is it called a dictionary? Because if you think about it, dictionary का क्या काम होता है? You have a dictionary and हर एक dictionary में क्या होता है? कोई एक term होता है and उसका meaning होता है, right? There is a term and a meaning, right? Term and meaning. ठीक है. Similarly here you have one term and you have its corresponding. It's not a meaning exactly, but इसका value जो corresponding value है वो है. ऐसी chair का value 200. तो for example if I wanted to represent the prices of my मतलब कोई shop चलाता हूँ मैं and I want to represent कि prices क्या है मेरे products के, तो I will create a dictionary and it will look something like let's say book A, मैं book A बेचता हूँ and उसका price let's say 100 है and book B बेचता हूँ उसका type जो है let's उसका sorry price जो है उसका वो 200 है. So this is a dictionary type. The type of this is a dictionary basically. ठीक है. तो ये दो different important types होते हैं, काफी frequently use करते हैं हम इसको. क्या हुआ, काफी फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं हम लाइक अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज. एंड इसमें जरूरी नहीं कि इंट डालो, आप इसमें स्ट्रिंग डालो, कोई भी और वैल्यू डालो, बट बेसिकली इट्स अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज व्हेन यू वांट टू कलेक्ट और एग्रीगेट समथिंग. एंड देन यू ऑल्सो हैव दिस अदर टाइप जिसमें आप मैपिंग बना सकते हो फ्रॉम वैल्यू ए टू वैल्यू बी, उसका मैप बना लिया एंड देन यू कैन सॉर्ट ऑफ फिगर आउट कि फॉर एग्जांपल बुक ए अगर मेरे पास है उसका प्राइस क्या है, बुक बी अगर है उसका प्राइस क्या है. वेरी क्विकली नॉट टेकिंग मोर देन वन मिनट आई विल शो यू मतलब प्रैक्टिकली कैसे लिखते हैं. आई विल क्रिएट अ लिस्ट फॉर एग्जांपल, उस लिस्ट का नाम मैं एल रखता हूँ या फिर my list रख लेते हैं उसका नाम my list and then I'll store values in it, let's say 12, 23 ऐसे जो भी है. ठीक है. Similarly I'll create a dictionary called my dictionary. ठीक है. And वो कैसे बनाते हैं ऐसे, तो you just write the for example book A and price is let's say 100 and then book B इसका price जो है let's say it's 1500. ठीक है. So if I actually do something like this, if I try to print my list, it will print the whole thing. If I try to print my dictionary, it will try to also basically print the whole dictionary. But the thing is, let's say I want to print a specific element. So list messages jo hai mereko pehla nahi dusra element print karwana hai, jo bhi dusra element hai wo print karana hai. So what I will do is I'll write print my list and I'll specify ki wo kis jagah pe hai. So if you start by this element, if this is the like the first element, iska index jo hai, if it's 0, this is 1, 2, 3, 4. Index matlab iski position kahan hai array mein aur is list mein. To pehle ki index jo position hoti hai hamesha 0 se start hota hai. So this is position 0, position 1, position 2, position 3 and so on. To agar humko dusra element print karna hai, uski position jo hai 1 hogi because starting position 0 hai, right? And similarly if I have to print ki is book A ka value kya hai, I'll just do print my dictionary and then I'll specify book A. तो क्या करेगा कि पहले केस में इट विल गो टू द लिस्ट एंड इट विल फिगर आउट कि जीरो पोजीशन पे नहीं चाहिए मेरे को, फर्स्ट पोजीशन पे क्या वैल्यू है वो प्रिंट कर दो, इट विल प्रिंट दैट. एंड सेकंड केस में इट विल गो टू द डिक्शनरी एंड ट्राई टू फाइंड कि ये बुक ए जो है, जैसे डिक्शनरी में ढूंढते हैं हम कोई वैल्यू एंड उसका फिर मतलब कोई वर्ड ढूंढते हैं उसका मीनिंग ढूंढते हैं. सिमिलरली आई ट्राई टू फाइंड द वैल्यू हेयर एंड देन सॉरी द की हेयर एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू. ठीक है. सो की बोलते हैं इसको, वैल्यू बोलते हैं, की एंड वैल्यू. ठीक है. तो इफ आई रन दिस इट विल शो मी. तो पहले जो मैंने पूरा का पूरा प्रिंट किया था, चार स्टेटमेंट थे मेरे प्रिंट के, माय लिस्ट पूरा प्रिंट, फिर पूरा माय डिक्शनरी प्रिंट. सो दीज आर द फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स, पूरा दिख रहा है मेरे को. एंड देन दिस थर्ड स्टेटमेंट सेज कि मेरे को बस पहला एलिमेंट चाहिए, मतलब पहला एज इन 0, 1 सेकंड एलिमेंट टेक्निकली. तो 4, 3, 5 आ गया एंड फाइनली माई डिक्शनरी में से जो बुक ए का वैल्यू है वो निकाल के दे दो, दैट इज 100. सो दीज आर टू अदर इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स विच यू विल यूज वेरी फ्रीक्वेंटली इन द फ्यूचर, बट या दैट इज बेसिकली ऑल ऑफ इट. तो सर वाई डिड यू यूज अंडरस्कोर? ठीक है, सॉरी टू लाइक एक्सटेंड दिस, बट यहाँ पे मैंने अंडरस्कोर इसलिए यूज किया है क्योंकि आई वॉन्ट दिस होल थिंग टू बी वन वेरिएबल. ऐसा नहीं है कि मेरे को दो अलग वेरिएबल चाहिए. इफ आई राइट माई स्पेस लिस्ट राइट, तो पाइथन क्या करता है, इट ट्राइज टू थिंक ये अलग चीज है, ये अलग चीज है. एंड इन दिस केस लिस्ट इज एक्चुअली वन ऑफ दोज थिंग्स विच पाइथन ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड. मतलब पाइथन में इनबिल्ट एक चीज होती है लिस्ट, राइट? सो इट विल ट्राई टू थिंक कुछ लिस्ट है एंड यहाँ पे कुछ माई लिखा हुआ है एंड यहाँ पे कुछ अलग लिखा है. इट विल एक्चुअली थ्रो एन एक्सेप्शन. इफ आई ट्राई टू रन दिस, इट विल शो मी कि यहाँ पे कुछ गलत किया पहली लाइन में आपने, इनवैलिड सिंटैक्स दिखा रहा है मेरे को. ठीक है. तो बेसिकली व्हेन यू हैव टू लाइक क्रिएट अ वेरिएबल नेम, इट हैज टू बी कनेक्टेड बेसिकली. इट हैज टू बी लाइक ऑल टुगेदर. मतलब ऐसा नहीं कि बीच में स्पेस नहीं होनी चाहिए एंड यू कैन नॉट हैव कॉमा डॉट वगैरह नहीं होना चाहिए. यू कैन ओनली हैव स्पेशल कैरेक्टर में, यू कैन ओनली हैव अंडरस्कोर. यू कैन हैव नंबर्स आल्सो, माय लिस्ट 1, माय लिस्ट 2,
And you can obviously have uppercase, lowercase letters, but you cannot have any other special character other than underscore. And underscore separate करने के लिए मतलब थोड़ा अगर मैं ऐसे लिखता ना my list, तो it doesn't look like my list, it looks like my list, something like that, ठीक है? So you, to just make it understandable, if your variable name has multiple words, you can just separate it my list or like my first dictionary, right? So to separate it out. Or otherwise you can also write in Python में ऐसे लिखते हैं usually, but कुछ languages में ऐसे भी लिखते हैं कि my फिर first capital में लिख दिया, फिर dictionary capital में लिख दिया, and then the same thing, right? अपनी मर्जी है, but as long as you're using this character, you're fine. मतलब you cannot use any other special character. This is just to like separate out the words in a variable, but इसका मतलब कोई नहीं है as such Python के लिए. It just considers it as a part of this whole variable name. So yeah, that's it. ठीक है, I think so, time extend हो गया हमारा. So if you have any other questions, let me know on my WhatsApp. Uske ilawa, please try to install Python by the next session, because this whole thing, matlab hopefully by the next session, you will be trying to run these commands side by side, like parallelly with me, okay? So that you can sort of get a feel of how it runs.